আপনারা দেখছেন জঙ্গলমহল 24/7 রাত দিন সাত দিন সঙ্গে থাকে একিরা। NRC মানছি না আমার ধরো মানছি না আমার ধরো।
आज महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज किसान मजबूर हो गया है आत्महत्या करने के लिए। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष आप देंगे। देश की मुद्दा ये है, हम लोग कहते हैं कि हटेगा, इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे, करते करते अभी 5 साल बीत गया, अभी 6ठा साल लगने वाला है। तो अच्छे दिन की आस में कि आपकी बेरोजगारी दूर की जाएगी, और 2 करोड़ बेरोजगारी दूर करने की बात थी, आज 5 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार को पैदा कर दिया देश में। आज बेरोजगारी की व्यवस्था को क्या ठीक कर पाएंगे, आज बेरोजगार के कगार में हम लोग को पहुंचा दिया। जब हम लोग हल्ला करें कि बेरोजगारी को मिटाइए, हमें भूख लगी है, हमें खाने की व्यवस्था करवाइए, तो कहते हैं कि नहीं, नोटबंदी कर रहे हैं, आपके खाते में 15-15 लाख रुपया करके आए, नोटबंदी के लाइन में लगवा दिया सारे देश को, यहां तक कि अपने मां को भी लाइन में लगवा दिया। तो मां का दर्द कहां से पता चलेगा साहब। मैं जब छोटा सा बड़ा हुआ, मां बाप को उतना बढ़िया से नहीं समझ पाया, जब शादी किया तब भी नहीं समझ पाया, जब एक बच्चा हुआ, रात रात भर जग करके रहना पड़ता था उस बच्चे के लिए, तो मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है और बाप क्या होता है। वहाँ एक संविधान की ताकत से, संविधान की वजह से, ये भारतीय संविधान का देन है कि आज वहाँ एक एसटी समाज का, एक बहुजन समाज का बेटा माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा, और गारंटी है कि बिना गैर बीजेपी सरकार हेमंत बाबू की सरकार बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी अपने राज्य के लिए। आज देश की जो व्यवस्था है ये किसी से अछूता नहीं है। कहा जाता है कि जिस देश में आंदोलन हो रहे हैं और लगातार आंदोलन हो रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए वो देश अभी भी गुलाम बना हुआ है। हम लोग बेरोजगारी की बात करते रहे और आप नोटबंदी के जरिए हमारे आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर दिए। हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, आप 370 की बात करते हैं, ठीक है हम मान लिए। हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहा, SC ST एट्रोसिटी एक्ट को बंद करना चाहा, 2 अप्रैल 2017 को हम लोग बता दिए कि हम लोग एकजुट है और अपनी आवाज के लिए आवाज बुलंद करके हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते हैं। फिर भी हम लोग शांत रहे। आपने इसके बाद भी नहीं रुका, स्वर्ण आरक्षण को बढ़ा दिया, हम लोग कुछ नहीं कहे, 10% स्वर्ण आरक्षण कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा। हिंदू मुसलमान के फसाद में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झमेला उत्पन्न किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, समस्त हिंदू भाई, समस्त मुसलमान भाई उसे समर्थन किया, हम लोग हल्ला बोल नहीं किए, क्योंकि आपने जिन लोगों को समर्थन किया, अच्छे दिन तो हमारे नहीं आए, लेकिन जिनके अच्छे दिन आए और अंबानी साहब का और आप लोगों का, तो उनके वजह से हमें एक फायदा हो गया। जियो दंदना के वजह से आज हम लोग कुछ स्टडी करने लग गए। आज अंबेडकर बात को हम लोग जाने, अपने महापुरुषों को जाने, और हम लोग जाने कि हम लोग एक है, इसलिए हम लोग कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। आप जितना भरम फैलाना है फैला लो। SC ST OBC और माइनोरिटीज भाई आपस में कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जितना आपको झमेला उत्पन्न कराना आप करा लो। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, आप NRC की बात करने लगे। क्या है NRC? विश्व का सबसे पुरातन शासक जर्मनी के हिटलर ने 1945 तक वहां इस व्यवस्था को लागू किया, जहां रूसियों के साथ में, यूरोपियों के साथ में एक अछूता व्यवहार किया, और वहां कंस्ट्रक्शन सेंटर में उन लोगों को डाला गया, जहां पर वो मतलब जिंदा तड़प तड़प करके मरने का नौबत उन लोगों का आ गया। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे देश में डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है, और NRC के माध्यम से आप कह रहे हैं कि 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट लेकर आइए, 1971 का डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हमारे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप देश की 40% आबादी जो 2 वक्त की रोटी के लिए जी तो जुनून कर रही है, जिसका मानसिक आय अगर एक दिन का आय बोलिएगा 30 रुपया से 40 रुपया है, 30 रुपया से 40 रुपया आय है, उन लोग कैसे व्यवस्था करेंगे। आज इस देश की व्यवस्था जहां पर प्रत्येक समय आज भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, लोगों का खाता पत्र सब
उसमें ध्वस्त हो जा रहा है, कहां से लाएंगे? आप इसके बाद सीए के बात करते हैं,